नमस्कार, स्वागत है। मैं पंकज रिपोर्टर। मैं आपके बता दूं कि यहाँ पर जो है कुछ युवा साथी हैं, बात करने का प्रयास करेंगे 2024 में लेकर युवा का रुझान क्या है, ये किस फेब में जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। ये बताइए, 2024 में जिस तरह से चुनाव का दौर चल रहा है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, उसको लेकर किस तरह से युवा कहाँ पर जा रहे हैं वोटिंग करने वाले हैं। 2024 का जो चुनाव आने वाला है, यह देश की दशा और दिशा तय करने का चुनाव है, यह संविधान बचाने का चुनाव है, यह चुनाव जो होने जा रहा है, यह दो गुटों के बीच चुनाव होने जाने वाला है। एक तो वह गुट जो संविधान को कुचलने वाला गुट है, एक वह गुट जो संविधान को बचाने वाला गुट है, और हम लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं, और हम लोग इस बार संविधान बचाने वाली टीम के साथ हैं। इस बार हम लोग संविधान को बेचने वाले, संविधान को लूटने वाले और संविधान को कुचलने वालों को हराने वाले लोग हैं। एक सवाल ये है, संसद में इतनी बड़ी चूक हुई, कहीं ना कहीं उस पर जो है दो लोग जाके वहाँ पर इस तरह से धुआं धुआं कर दिए, संसद में भरी संसद में अटैक हुआ, वहाँ पर जो है किस तरह से कार्रवाइयाँ चल रही, क्या कुछ वहाँ पे नज़ारा रहा, कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तमाम पक्ष विपक्ष के उस पर क्रिया प्रतिक्रियाएँ आ रही थी, उस पर क्या लेकर क्या बोलेंगे। संसद के अंदर जब 2-3-4 युवाओं ने जाके एक सांकेतिक विरोध किया है, एक पाउडर लेके उड़ाया है, यह बहुत ही बड़ी घटना हुई है। यह देश की संसद के साथ खिलवाड़ था, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था, यह बहुत बड़ी चूक थी। यह इतने बड़े संसद की जो व्यवस्था होती है, जो सुरक्षा होती है, उसको उन्होंने भेदा है, तो यह माना जा सकता है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। अगर संसद में बैठे सांसदों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है, उनके जान को खतरा हो सकता है, उनके साथ कुछ अराजकता के साथ उनके साथ कुछ बम और बारूद भी हो सकते थे, अगर वो चाहते तो बड़ी घटनाएं हो सकती थी, उनके जान माल के खतरा हो सकता था। अगर आज की संसद नहीं सुरक्षित है, तो देश का आम नागरिक नहीं सुरक्षित है, इस बात का संकेत हमें मिलता है। एक सवाल मेरा ये है, और वहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 142 संसदों को वहाँ पे सदस्यता जो निरस्त कर दी है, उसको लेकर जो है समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन, हर जिले में अखिलेश यादव के निर्देशन में विरोध प्रदर्शन किया गया, चाहे समाजवादी पार्टी हो और अखिलेश यादव जिस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है साधा निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को लेकर। देखिए, ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा को लेकर अगर संसद में बैठे हुए सांसदों के ऊपर कोई अनहोनी हो जाती, उसको लेकर अगर सांसदों ने प्रश्न उठाया कि आप गृह मंत्री महोदय आकर बताइए कि यह कौन से लोग थे, कहां से आए थे, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, अगर इस प्रश्न को संसद में उठाना चाहते हैं तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वह आकर बताएं और इस चूक की जिम्मेदारी लें, कि इस चूक की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और अगर ऐसी अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता। और आज अगर भाजपा ऐसा कर रही, निष्कासन कर रही है, तो वह अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। वह भाजपा का एक सांसद जो उन्हें पास दिया था, वह जिम्मेदार है, उसे जेल होनी चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कुछ साथी और उनसे भी बात करते, युवा है और ये युवा है, इनसे भी बात करते हैं। सर, ये बताइए, आप युवा हैं तो क्या लगता है कि इस तरह से जो राजनीतिक में भूचाल बचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? एक शानदार मैसेज है क्या? देश के युवाओं ने जो सांसद भवन पे जिस प्रकार का मतलब अटैक किया, आक्रमण किया, इससे उन्होंने एक मैसेज दिया, संकेत दिया, और संकेत के साथ देश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के सांसदों के और वहाँ के प्रधानमंत्री की है, इससे हमारे देश की मतलब व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं चूक। एक सवाल मेरा ये है, यहाँ के युवा जो है बेरोजगार है, कहीं ना कहीं युवाओं को निराशा नजर आ रहा है, नहीं नौकरियां नहीं निकल रही, अपने आप को जो है बहुत ही, उनकी उम्र भी चली जाती है लेकिन अल्लाह नहीं मिल पा रही नौकरियां, सरकार क्या कहेंगी, युवाओं की तरफ किस तरह से ध्यान दे रही है? सरकार कुछ नहीं, सरकार सीधा सीधा प्रोपोगंडा का काम कर रही है, युवाओं को और यहाँ के किसानों को, नौजवानों को भ्रमित करने का कार्य कर रही है। शिक्षा और रोजगार पे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं इनका, और ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। तो ये बताइए 24 में क्या रहेगा? 24 में हम लोग, हम युवाओं और हमारे तमाम अधिवक्तागण साथियों का यही मतलब, हम लोगों का यही मतलब कार्य होगा कि इस सरकार के विरोध में हम जितना हो सकेगा उतना कार्य करेंगे, इस सरकार के विरोध में
सरकार को गिराने का कार्य करें। अगर बात करें तो किसान भी लगातार हाईवे पे भी जाम कर रहे हैं, तमाम जो है ऐसी घटनाएं जो उनको सही मुआवजा नहीं मिला, और किसान जो है अपनी खेती करके कमाई जो है खून पसीने कमाई लगाता है, लेकिन उस तरह से उनको मुआवजा नहीं मिलता, कहीं ना कहीं किसान भी दुखी नजर आ रहे हैं। सरकार की नीतियाँ जब स्पष्ट नहीं होंगी तो उसमें सारे लोग, देश के जितने नागरिक हैं सारे सब लोग परेशान होंगे और हताउत्साहित होंगे, और उसका नतीजा दिख रहा है। सरकार आज 7 साल 8 साल से कार्य कर रही है, किसी भी दिशा दशा में वो स्पष्ट भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रही। आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर यहाँ पे जिस तरह से युवाओं ने अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं 2024 में लेकर सरकार को निशाना साध रहे हैं। युवाओं को बेरोजगार लगातार युवा हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और ऐसे में रोजगार हैं तो किस तरह से अपनी घर का अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन उस तरह से सरकार जो है अगर युवाओं को हर तरह से कहीं ना कहीं जॉब देना चाहिए, तमाम जो वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए, ताकि युवा का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। और जब युवा सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे, युवा कहीं ना कहीं इस सरकार को सीधा निशाना साधने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार युवाओं के हक में लगातार वैकेंसियाँ निकाल रही थी, इनका एक दावा है कि अगर सरकार जो है युवाओं की हक मारता है तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, 2024 में हम सरकार को दिखा देंगे मेरी युवा की क्या ताकत है। आपको बता दें इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। पॉलिटिक्स के लेकर तमाम ऐसे रिलेटेड खबरें मैं लेकर आता रहता हूँ अपने चैनल पर, और जितने भी हमारे श्रोतागण देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइएगा 24 में चुनाव में युवा की राय, युवा की ताकत। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग एक मैसेज देने का प्रयास करिएगा, ताकि इनकी आवाज़ जन जन की आवाज़ आम जनता तक पहुंचती रहे और इनको एक न्याय मिले, इनकी ताकि सरकार को इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। तमाम इस खबर को देखने के लिए सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत।